Redmi Note 4 के लिए प्रोजेक्ट एलेक्जर 3.4 का न्यू अपडेट आ गया है और इस अपडेट के अंदर में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं और कुछ चीज़ें रिमूव भी हुई हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो पिछला वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा और इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड आता है, तो इसका इंस्टॉलेशन इंक्रिप्टेड वाला और डिक्रिप्टेड वाला दोनों इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है। तो इंस्टॉलेशन पहले आप देख लेना अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, और कुछ बग हैं जो पहले से आ रहे थे अभी भी देखने को मिलते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले इंस्टॉलेशन आप देख लेना अगर इंस्टॉल करना चाहो, या फिर पहले आप रिव्यू देख लेना उसके बाद इंस्टॉलेशन देख लेना। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन में और एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पहले जैसा इंटरफेस है। प्रोजेक्ट एलेक्जर का एंड्रॉइड 13 ऑफिशियल अपडेट है। सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2022 की अब मिल जाएगी और प्रोजेक्ट एलेक्जर का वर्जन 3.4 है। कर्नल सेम रहेगा स्कारलेट वाला बट अपडेटेड है पिछले वाले से। एनसेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिल जाएगा, बाकी डिवाइस इन्फो नीचे आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट की, तो इसके अंदर सिम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो प्रेफर्ड नेटवर्क्स हैं काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना सिंपली। अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें तो वही सेम प्रॉब्लम जैसे कि बताया इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली यहाँ पे हॉटस्पॉट। हालांकि यहाँ पे WPA3 पर्सनल ऐड किया गया है बट इसके अंदर जो हॉटस्पॉट वाली प्रॉब्लम है वो सेम अभी भी मिलती है, बग है हॉटस्पॉट का, तो एक प्रॉब्लम अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल ही रहा है। और बाहर में तो ऐसा कुछ चेंजेस हमें नहीं मिलता। कनेक्टेड डिवाइसेस की बात करें तो इसका भी बग सेम है, यानी कि डिवाइस रिस्टार्ट हो जाता है, कनेक्ट करते हैं जब भी थोड़ी देर में डिवाइस रिस्टार्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। और डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो लॉक स्क्रीन आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है बट अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे पहले जो है डार्क थीम के जस्ट नीचे यहाँ पे एक डिसेबल वॉलपेपर जूम वाला जो इफेक्ट था वो यहाँ पे था, वो रिमूव कर दिया गया है। और ये जो स्मॉल विथ वाला ऑप्शन था वो कलर के नीचे मिलता था नाइट लाइट में, अब नाइट कलर वाले सेक्शन में सिर्फ नाइट लाइट देखने को मिलता है और ब्लर भी उसी में मिलता था कलर वाले सेक्शन में, अब ये भी नीचे मूव हो गया है। तो ये कुछ चेंजेस थोड़ा सा इधर उधर मूव हुए हैं सेटिंग्स, तो ये थोड़ा चेंज हुआ, बाकी और कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। एंड एसेंस जो इसका कस्टमाइजेशन इसकी अगर बात करें तो थीम्स के अंदर तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो यूज़ कस्टम थीम सेम रहेगा यहाँ पर, इनके अंदर किसी में भी चेंज नहीं हुआ है। बट वही अगर आप लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हमें न्यू देखने को मिल जाता है, और फिर यहीं पे अगर आप नीचे आते हो तो इनके अंदर आपको ऐसा कोई चेंज नहीं मिलेगा, बस दोनों का लास्ट के दोनों ऑप्शन का अलग अलग सेक्शन था, दोनों साथ में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में जनरल कस्टमाइजेशन में मिल रहे हैं। वहीं स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे ओल्ड स्टाइल का यूज़ करने का आइकन जो था वो रिमूव हो गया, 4G आइकन रिमूव हो गया है और वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन वो भी रिमूव हो गया, तीनों ऑप्शन रिमूव हो गए हैं। एंड आइकन मैनेजर पहले से था, अभी भी वोल्टी आइकन हमें नहीं मिलता उसे, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड सिग्नल आइकन न्यू ऐड किया गया, जिससे हम सिग्नल आइकन को जो है इनेबल एंड डिसेबल एक तरीके से हाइड कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे ट्रैफिक या क्लॉक के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं सभी सेम रहेंगे, और जो यहाँ पे बैटरी स्टाइल दी गई है वो भी सेम है, और बैटरी चार्जिंग सिंबल भी ये सब आपका सेम ही रहने वाला है। वहीं क्विक सेटिंग्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे भी जैसे कस्टमाइजेशन में जाओगे QS कस्टमाइजेशन में तो ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी लास्ट में था, और यहाँ पे पहले ब्राइटनेस की सेटिंग थी जिसमें ब्राइटनेस पोजीशन या ऑटो ब्राइटनेस आइकन कौन ऑफ कर पाओगे वो रिमूव कर दिया गया, बाय डिफॉल्ट इनेबल मिलता है। और यहाँ पे अब QS हैप्टिक ऐड किया गया जिसमें ब्राइटनेस स्लाइडर में आपको काफ़ी तगड़ा वाला हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है, उसका ड्यूरेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितना होना चाहिए, तो ये न्यू मिल जाता है। ब्राइटनेस स्लाइडर की जो सेटिंग्स थी वो रिमूव किया गया यहाँ से। बाकी फिर बाहर में आपको डाटा यूजर्स अब देखने को मिल जाएगा जो कि पहले नहीं हुआ करता था, तो ये भी अब यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो डाटा यूजर्स भी फाइनली इस अपडेट में ऐड हो चुका है। वहीं अगर हम जेस्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्वाइप टू स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल पहले जैसा है, सेटिंग्स भी पहले जैसी मिल जाती है। अगर हम सिस्टम नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ सेटिंग्स के मामले में बिल्कुल सेम है, और जेस्चर अभी भी काम नहीं करता, हार्ड बटन लाइट भी जो है काम नहीं करता, तो इन दोनों का बग रहेगा। और फिर यहाँ पे नीचे प्लेबैक कंट्रोल या फिर अडिप्टिव प्लेबैक की अगर बात करें तो अडिप्टिव प्लेबैक हमें न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और प्रेस एंड होल्ड पावर बटन असिस्टेंट जो दिया गया इसके अंदर पावर बटन वाला मेन्यू, ये जो है इसमें अब आप डिजिटल या फिर पावर मेन्यू सेलेक्ट कर पाओगे, बाय डिफॉल्ट डिजिटल असिस्टेंट सेलेक्ट रहेगा, तो इसको पावर मेन्यू को जो है सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है, तो डिजिटल असिस्टेंट बार बार इनेबल होगा। एंड टच स्क्रीन फीडबैक ये सब आपका पहले जैसा रहेगा। और फिर मिसलिनियस के अंदर में यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि पावर मेन्यू एनिमेशन अब ऐड कर दिया गया है, पावर मेन्यू के लिए एनिमेशन अब आप ऐड कर पाओगे, टॉगल टॉर्च ऐड किया गया है, साथ साथ वॉल्यूम स्टेप ये भी आपको न्यू देखने को मिल जाता है। और फिर बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके वही पहले वाले रहेंगे, इनमें किसी में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वॉलपेपर इंस्टॉल की तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आपको प्री अप्लाई जो वॉलपेपर मिलता है न्यू देखने को मिलेगा इसके अंदर में,
एंड वॉलपेपर कलर सेम ये सब रहेंगे, थीम्ड आइकन भी मिल ही जाता है, बट यहाँ पे कस्टम थीम आइकन का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है अलग अलग से। अगर आपका आइकन ऐड करना चाहो तो यहाँ से इंस्टॉल करके इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जब ऑप्शन शो करे वो शो करेगा, जो भी आप इंस्टॉल करोगे तो अप्लाई कर पाओगे। साथ साथ सिस्टम आइकन पैक अब यहीं पर दे दिया गया है और साथ साथ फॉन्ट स्टाइल भी यहीं पर आप यहाँ से भी चेंज कर पाओगे, तो ये दो चीज़ें भी यहाँ पर आप मिल जाती हैं। बैटरी का पूरा इंटरफेस चेंज मिलेगा, एक तो अलग अलग सेक्शन भी बन चुके हैं, पूरा यूआई थोड़ा सा चेंज मिलता है। और यहाँ पे जो है पहले आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन न्यू देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे जो है फिलहाल बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शन था जो कि किसी काम का नहीं था, उसको रिमूव कर दिया गया है। बैटरी टेम्परेचर पहले था बट बैटरी हेल्थ न्यू मिल जाता है, बैटरी हेल्थ न्यू है। और जैसे कि बताया इसके अंदर जो पूरा इंटरफेस है वो चेंज है, ऊपर जो ग्राफ बैटरी के इस तरह के मिल रहा है वो सब आपको न्यू देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 83% मिला है, पिछले में भी 83 था, उससे भी पहले मेरे हिसाब से 83 ही मिला था। तो बैटरी में भी लगातार कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला, पहले जैसा ही है। एंड नोटिफिकेशन सेम रहेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें न्यू है, जैसे कि एडिप्टिव साउंड न्यू है, जिसको इनेबल करने के बाद फ़ोन के स्पीकर की थोड़ी सी साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो ये ऐड किया गया इस अपडेट के अंदर में। वहीं मीडिया के अंदर में भी आपको लेटेस्ट मिलेगा यहाँ पे 100 मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन, साथ साथ मीडिया लेआउट थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। जो भी एंड्रॉइड 13 अब लेटेस्ट आएंगे उनमें आपको कुछ इस तरीके का ही मिलेगा। यहाँ पे बेप के आगे जो एरो सा मिलता है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है पहले से, पहले गोल सा सर्कल सा डॉट सा देखने को मिलता था। हालांकि यहाँ पे अब वॉल्यूम स्लाइडर पे लैग जो है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ सा गया है। पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे, चाहे हैवी डिवाइस ही हो, फिर भी इसमें लैग देखने को मिल रहा है। मी 11X भी मैं टेस्ट किया तो उसमें भी इस तरीके के लैग अब लेटेस्ट वाले लेआउट में मिल रहा है वॉल्यूम स्लाइड करने पर, तो यहाँ पर तो रहेगा ही ज़्यादा। एंड फिर यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी नीचे कुछ चीज़ें न्यू है, जैसे कि ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड, जैसे वाइब्रेट मोड के आइकन को आप ऑन ऑफ कर पाओगे यहाँ से, तो ये न्यू मिल जाएगा। डायरेक्ट साउंड सेम है पहले जैसा और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, तो यहाँ कुछ चेंजेस और नहीं मिलती है। ऐप्स के अंदर भी यहाँ पे अब जो है गेम स्पेस ऐड किया गया, पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। वहीं डिफॉल्ट ऐप जो है लॉन्चर पहले पिक्सल लॉन्चर हुआ करता था, क्विक स्टेप का लॉन्चर मिलता है, यानी कि अब आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी लॉन्चर में, आइकन्स की सेटिंग्स मिल जाते, आइकन पैक चेंज कर पाओगे यहाँ से, बाकी आइकन साइज फॉन्ट साइज ये सब भी देखने मिलेगा। वहीं होम स्क्रीन के अंदर में लॉक लेआउट है, डार्क स्टेटस बार, डबल टैप स्लीप है, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग, जूमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरफेस में भी अलग अलग एड ग्लेंस के मिल जाएंगे, स्टेटस बार हो गया और नीचे फिर सर्च बार के लिए भी दिया गया, तो ये कुछ सेटिंग्स आपको होम स्क्रीन वाले पे मिल जाएगा। और ये आपका जो है हॉट सीट बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके का मिल जाता है यहाँ पे। ऐप ड्रॉयर में देखोगे थीम्ड आइकन मिल जाएगा, रो हाइड हो गया बैकग्राउंड ऑपेसिटी के लिए मिल जाता है ऐप ड्रॉयर के लिए। और रीसेंट में भी यहाँ पे मेमोरी इन्फो मिल जाएगा, स्क्रॉल वाइब्रेशन, तो ये सब चीज़ें मिलेगी, मेमोरी इन्फो यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। और कुछ शॉर्टकट्स अगर आप ऐड करना चाहते हो रीसेंट पे, तो यहाँ पे जो है क्विक एक्शन अगर बोले तो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। मिसलिनियस के अंदर टास्क बार मिल जाएगा, अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन है, हिडन ऐप प्रोटेक्टेड ऐप मिल जाता है, हालांकि यहाँ का जो ऐप लोग का यूज ना करना, हाइड ऐप यूज़ कर लेना। बाकी सजेशन है, बैकग्राउंड ब्लर जो डेप्थ है ये भी मिल जाएगा। और ब्लर यहाँ पे जो टास्क बार है इसकी अगर बात करें तो काफ़ी सारा रोम में जो ऑलरेडी आपको दिखाई चुका था कुछ इस तरीके का ये जो है टास्क बार काम करता है। ऐप ड्रॉअर का भी यूज़ आप यहीं से कर पाओगे। और स्प्लिट स्क्रीन अगर यूज़ करो या फिर इसे हाइड करना चाहो, सिंपली इस खाली स्पेस पे आपको होल्ड करना है, हाइड हो जाएगा, पिल पे वापस होल्ड करोगे वापस शो करने लग जाएगा। और इस तरीके से ड्रॉप एंड ड्रैग, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन भी आप यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके जो हमारा ये जो है टास्क बार काम करता है, जो कि पहले भी काफ़ी सारे रोम्स में ऑलरेडी मैं दिखा ही चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे दिखा दी अगर जो नए यूज़र है जिनको नहीं पता तो यहाँ पे जो है देख लेंगे एक बार, तो इस तरीके का ये मिल जाता है। तो और कुछ चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर में अब हमें जो है यहाँ पे ऐप लॉक मिलेगा। वैसे ये बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया, जैसे कि आपको बताया इंस्टॉलेशन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कैसा आप इंस्टॉल करना चाहो। और ऐप लॉक यहाँ पे भी अब देखने को मिलेगा, जो कि पहले हमें ऐप लॉक नहीं मिला करता था, और ये ऐप लॉक सिक्योर होता है, कुछ ये एप्लीकेशन अभी फिलहाल सपोर्टेड हैं, ये सिक्योर होता है। लॉन्चर की जगह ये वाला ऐप लॉक यूज़ करो, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। एंड फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट पहले से था, सेटिंग्स भी सेम ही मिल जाती है, और जो रिस्पॉन्स है वो भी फिलहाल अच्छा ही देखने को मिलता है पहले की तरह, और जो फेस अनलॉक है वो भी पहले जैसे ही है। इनमें ऐसा कोई चेंज फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलता, ये आपका पूरा पहले जैसा रहेगा, बस ऐप लॉक न्यू देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग भी सेम ही रहेगा उसे तो। एंड सिस्टम की बात करें तो जो ऐप लैंग्वेज सपोर्टेड मिलता है अभी फिलहाल एक ही एप्लीकेशन पे मिलता है, जैसा पहले भी अभी एक ही एप्लीकेशन पे मिला करता था और अभी भी एक ही एप्लीकेशन पे मिलता है। और जेस्चर की सेटिंग तो सिमिलर ही रहने वाली, यहाँ कुछ खास चेंज नहीं हुआ। एडिप्टिव प्लेबैक जो न्यू ऐड हुआ है ऑलरेडी आपको वहाँ पे
बता ही चुका हूँ। और एक चीज़ और चेंज हुआ है यहाँ पे, एलेक्सर अपडेटर जो है पहले से अब थोड़ा सा इंटरफेस इसका चेंज हो चुका है। पहले स्क्रॉल नीचे नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पे जो है आपको पूरा फुल स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और इसका जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है, तो अपडेटर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। हालांकि एनिमेशन की अगर हम बात करें तो एनिमेशन अभी भी आपको काफ़ी लाइट सा लैग मिलता है, इसके अंदर उतना हैवी लैग नहीं मिलता। और सेटिंग्स जो टाइल की सेटिंग्स हैं वो आपको सिमिलर से एनिमेशन के साथ देखने को मिलेंगी, इनमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। बस यहाँ पर एक टाइल रिमूव हुआ, AOD का पहले टाइल मिला करता था वो रिमूव हो गया, और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ इसमें टाइल में। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको चेंज काफ़ी देखने को मिलेगा, पहले सिर्फ स्टार्टिंग के दो ऑप्शन थे, अब यहाँ पे स्टॉप डॉट हो गया, लो क्वालिटी, बिगर फाइल साइज लिमिट, स्किप टाइमर और इनेबल HEVC, ये कुछ ऑप्शंस आप न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो लाइट लैग स्टार्टिंग में आपको मिलता है वही सेम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद भी रहता है, तो इसमें आपको कोई फर्क ऐसा देखने को नहीं मिलता। वॉल्यूम पैनल वैसे हमारा सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, स्मूथ मिल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। और ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल आपका यहाँ पर अच्छा ही है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं मिलता। बस थोड़ा सा डिले ज़रूर मिलेगा, लेकिन वैसे एनिमेशन के मामले में पहले भी आपको बताया था एनिमेशन के मामले में कोई लैग नहीं, तो उस तरीके से आपका रहेगा। रिसेंट आप लॉक कर सकोगे, क्लियर ऑल मिल जाता है, मेमोरी इन्फो भी यहीं पे है, तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर न्यू मिला है, क्योंकि लॉन्चर अब न्यू मिलता है। और प्ले स्टोर इसके अंदर सर्टिफाइड आता है बाय डिफॉल्ट, बैंकिंग ऐप को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास रहने वाला है। और यहाँ पे जो विजेट्स उसे लेटेस्ट ही रहेंगे। अगर हम कैमरे की बात करें तो पहले कोई भी कैमरा प्री इंस्टॉल नहीं आता था, अब अपर्चर वाला कैमरा इसके अंदर में ऐड कर दिया गया यहाँ पे, तो ये कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसे GCam इंस्टॉल कर लेना, नॉर्मल पिक्चर या वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो स्लो मोशन उस पर काम नहीं करेगा, तो ये अब प्री इंस्टॉल मिलता है। GCam मैनुअली इंस्टॉल करना होगा, FM अभी भी हमें नहीं मिलता। ओके गूगल का बग इस बार मिल रहा है, पहले काम कर रहा था लेकिन इस अपडेट में काम नहीं कर रहा, चेक किया तो। और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर में। और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज हमें देखने को मिल जाता है पहले की तरह। कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। और अगर हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और कॉल रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बस अलर्ट कर देता है। बाकी मीडिया का सेम प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ का यानी कि सेम प्रॉब्लम है, मीडिया के अंदर काम कर रहा है बट कॉलिंग के टाइम पे काम नहीं कर रहा है, जो कि पहले भी ये बग था और अभी भी है। एंटूडो स्कोर 1,24,348 आया है, पिछले में भी 1,24,000 ही मिला था। एंड गेम की अगर हम बात करें गेम स्पेस के बारे में, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसा ही गेम स्पेस रहेगा। और जो इसके अंदर ग्राफिक हमें मिलती है वो भी बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, तो हम इसके अंदर स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे ही खेलने वाले हैं। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस पहले की तरह बिल्कुल सेम, वही ठीक ठाक बैलेंस, यानी कि तरीके से बैलेंस पे ही मिल जाता है। नोट 4 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस बैलेंस पे ज़्यादा तगड़ी भी नहीं है और बिल्कुल ख़राब भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती, तो यहाँ पे सेम गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाली थी। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें यहाँ पे इस अपडेट में फिलहाल मिल जाते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि दो बग इसके मेन जो हैं अगर हम बात करें, या ब्लूटूथ भी एक हो गया, तो यहाँ पे ये तीन बग जो हैं अभी तक फिक्स नहीं हुए, काफ़ी टाइम से हमें देखने को इसके अंदर मिल रहे हैं बट अभी तक ये जो है फिक्स नहीं हुए, तो आगे के अपडेट में देखते हैं फिक्स होता है कि नहीं होता, बट अभी तो फिलहाल फिक्स नहीं हुआ है। और यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।